दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि पत्र बम चलाने का रिवाज ही गलत है। अब सरकार के पास इस मामले के तथ्य आ गए हैं तो निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई होगी। धूमल ने कहा कि हिमाचल का ऐसा राजनीतिक कल्चर नहीं है और यदि संगठन को पत्र बम कांड में संलिप्त लोगों का पता चल गया है तो पार्टी या सरकार को उसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि किसी को सरकार और पार्टी से कोई शिकायत है तो वह संगठन व उचित स्तर पर बात कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के संगठन की प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की कमेटियों को भंग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अपना मामला है। सभी पार्टियों में संगठन बदलाव के ऐसे निर्णय होते रहते हैं। तो क्या कहना है आपका, जिस तरह से सोनिया जी ने कल सारी कमेटियों को भंग कर दिया, किस तरह की सूचना है राजनीतिक तौर पर? मुझे भी मीडिया से पता लगा है कि सभी समितियां भंग की हैं। नया गठन होगा, किसी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं और टिप्पणी करने की भी मैं कोई औचित्य नहीं समझता। हर पार्टी को अपना रीऑर्गेनाइज करने का अधिकार है और कांग्रेस में तो नॉमिनेशन होती हैं, इलेक्शन तो होता नहीं, इस करके ऐसा स्टेप लिया गया होगा। भाजपा में जिस तरह से पत्र बम को लेके कल भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिए हैं कि पता लग गया है और फॉरेंसिक जांच भी हो गई है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को, पत्र बम को लेके? कि पता लग गया तो देखें कार्रवाई क्या होती है, किस पे क्या होती है, किसने पत्र लिखा, क्या लिखा, क्या आरोप थे। अब क्योंकि सरकार के पास तथ्य आ गए हैं तो आवश्यक तौर पर अगर गहराई तक पहुँचे होंगे तो पता लग जाएगा क्या होता है। अब राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखते हैं इस घटना को? ये रिवाज ही गलत है पत्र बमों को चलाना। अपनी सरकार के आपको मतभेद हों तो उचित स्तर पर, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर आप बात कर सकते हैं। शरारत करता कोई कौन करता है, कैसे करता है, सारे तथ्य जानने के बाद ही सही बात कही जा सकती है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 एलईडी टीवी 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।